हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मैं चेक करने आया हूँ टंकी। पता नहीं टंकी कितनी भराई है, एकदम बहुत देर से नल चल रहे थे लेकिन टंकी अभी तक नहीं भराई है। तो मैं देख लेता हूँ कि टंकी कितनी भराई है। हाँ, भरा गई, थोड़ी बाकी है, थोड़ी सी बाकी है, ज़्यादा नहीं बाकी है। तो वैसे आज वोल्टेज कम होगा इसलिए पानी जल्दी नहीं बनाया। आधा घंटे से नल चल रहे थे लेकिन पानी अभी तक फुल नहीं हुआ है और नल चले गए। अब ऊपर आने लग गए। अब देखो गाँव उगने लग गए हैं, देखो ये, और उधर गेंदे के फूल लगे हैं, दिख रहे हैं आपको, देखो ये रहे। और जानवर वगैरह चर रहे हैं, इधर बस्ती है हमारे यहाँ। तो गाइस, फटाफट चाय नाश्ता करता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ मैं शॉप के लिए। ये उबल रही है मेरी चाय, ये देखो मजा आएगा चाय में आज। गाइस, शॉप पर आते से ही ग्राहक आ चुका है। ये बच्चा आया है और ये टायर डलवाने के लिए आया है। देखो ये टायर डाल रहा हूँ मैं इनकी साइकिल में, ये रही इनकी साइकिल। हमारे यहाँ पर साइकिलें बहुत चलती है और बच्चों को बहुत शौक है साइकिलें चलाने का। स्कूल पढ़ता है? स्कूल पढ़ता है हाँ। और जितने भी बच्चे स्कूल पढ़ते ना, सब साइकिल चलाते हैं हमारे यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, मैं इनका काम कर देता हूँ फटाफट। क्या टायर डालना है? तो गाइस देखो, बच्चों की भीड़ लग चुकी है। ये देखो, ये सब बच्चे आ चुके हैं काम करवाने। ये और आया, देखो एक लड़का, इसका टायर देखो, इसका टायर देखो पूरा छिन भिन हो चुका है। ये बच गया पर टायर की वाट लगा दी, देखो ये। और इसको देखो, ये भी बहुत शौक है इसको भी। ये लड़का आदिवासी भाषा में गाना गा के बताएगा। देखो कहीं समझ में नहीं आया लेकिन बच्चों ने ताला बजा दिया कि इनको समझ में आया होगा। हाँ माजी माजी माजी, रुको 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 रुको, दुकान आ गई, दुकान है। हाँ दुकान है। तो गाइस ये माई को दिखता नहीं है, देखो ये दिखता कि नहीं दिखता? नहीं दिखता। बैठो, ये कुर्सी है, बैठ जा। जा रहे दिखता नहीं है। और इनका कोई भी नहीं, तुम्हारा कोई भी नहीं? छोरे नहीं है? छोरी उनकी शादी कर दी? तू भी बोल, ठीक है? नहीं नहीं, तू बोल, तू बोल, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दुकान जाएगी, लो ये पैसे रख ले। ये ऐसी पंचर वंचर की दुकान है, है नी? आओ जाओ, इधर से रास्ता है, इधर से, है ना? तो गाइस ये माजी को दिखता नहीं है और इनका कोई भी नहीं है। हाँ हाँ, इधर से निकलो, इधर से, इधर से निकलो। हाँ इधर बड़ी, गाइस बड़ी आफत है इनकी जो कि इनको दिखता नहीं है और बड़ी परेशानी से यहाँ पर आना पड़ता है गांव में मंगने के लिए। देखो ये वाहन चला करते हैं यहाँ पर, ये जराक में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी मुसीबत हो सकती है। अब क्या कर सकते हो, इसको पालने वाला कोई नहीं है, इसके बच्चे नहीं हैं, इसकी जो लड़कियाँ थी उनकी शादी हो चुकी है और लड़के हैं नहीं इसके। तो मैं इनको छुड़वा देता हूँ इनके घर तक, ये भाई छोड़ देगा इनको। अनिल जरा छोड़ देता न, छोड़ देना है। भाई देखा आपने कि वो अम्मा जी बड़ी परेशान है क्योंकि दोनों आंखों से उसको दिखता नहीं है और उसका कोई भी नहीं इस दुनिया में। तो बहुत परेशानी होती है उनको गांव में आने के लिए, मंगने के लिए भी बहुत परेशानी होती है। और इस दुनिया में ऐसा तो कोई है नहीं कि जो घर बटे देने जाएगा किसी को। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई आ जाया करे तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसे लोगों की मदद कर देना चाहिए।
जिनको अपने को लगे कि हाँ ये सच में इस चीज़ का हकदार है, मंगने के हकदार है। और बहुत से ऐसे जवान जवान आते हैं जिनके मतलब हाथ पाँव सब ठीक है, आँखें ठीक है, सब सही सलामत है, फिर भी मांगते हैं, तो वो गलत है। लेकिन ऐसे लोग जो जिनके हाथ पैर नहीं हैं, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, जिनकी आँखें काम नहीं करती, ऐसे लोग मंगने आए, बुज़ुर्ग है, तो वो जायज़ दोस्तों। तो ऐसे लोगों की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, हमारा और आपका सभी का फ़र्ज बनता है दोस्तों कि ऐसे लोगों की मदद की जाए। तो ठीक है दोस्तों, शाम हो चुकी है और मैं भी निकलता हूँ अब घर के लिए। तो गाइस मैं हो चुका हूँ फ्रेश और बच्चे भी हो चुके हैं तैयार। ये रही सनाया और ये रही साहिबा। तो गाइस हम आज जा रहे हैं शादी में। तो गाइस आपने सही सुना, हम जा रहे हैं भगवानपुरा शादी में। दोस्तों हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, भगवानपुरा पास में ही है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों बहुत दिनों बाद हम शादी में जा रहे हैं, वहाँ जाके क्या होता है मिलते हैं कुछ देर बाद। आ चुका हूँ शादी में, ये हमारे कर्जन है, रिश्तेदार है, और यहाँ फोटो खींचने का कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं मिल लेता हूँ उनसे और आपको भी मिलवा देता हूँ। तो गाइस एक दूल्हा ये है जो बड़े भाई साहब है, और एक दूल्हा और है जो छोटे भाई साहब है। खाना आ चुका है, और ये है पुलाव, और ये है जर्दा, और ये खा रहे हैं हमारे मामा। तो सब लोग खाना खा रहे हैं, देखो उधर बैठेंगे जाए तो ही। बस पेट भर आ गया बूटो। गाइस खाना वाना भी हो चुका है और डोले से भी मिल लिए हैं, और अभी शादी एक दो दिन चलेगी तो हम निकलते हैं अब घर के लिए। चलो पहले वीडियो का एंड कर दो। तो गाइस हम आ चुके हैं घर, और दोस्तों बहुत ठंड लगी आज रास्ते में हमको, है ना। तो गाइस रात बहुत हो चुकी है, तो हमारे इस वीडियो का एंड करने का टाइम भी हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन सरप्राइज बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।